उमरेड तहसील के परसोड़ी गांव के साइकी तालाब इलाके से अवैध रूप से सरकारी नियमों के उल्लंघन में सरकारी अधिकारी मिट्टी की खुदाई और परिवहन की अनुमति न होकर 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि पिछले एक साल से कई लोगों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ फारदा जल संधारण विभाग में शिकायत दर्ज की है। एक्चुअली ये जो प्रकरण हुआ है ये 2017 से चालू हुआ है। यहाँ पर कुछ अलग गवर्नमेंट के लोगों के काम के तरीके, इसमें काम करने के लिए नहीं हुआ यूज, समाज कारण के लिए यहाँ का काम यूज़ नहीं हुआ है मुरुम। यह सिर्फ कोई इनलीगल व्यक्ति या एक व्यक्ति के नाम से रॉयल्टी उठाई जा रही है, जिसको तहसीलदार बहुत इजी तरीके से उनको NOC दे के वो रॉयल्टी दी जा रही है। कुठला प्रकरण, कुठला तलाव है, कौन याच्यामध्ये सहभाग आहे, त्या अधिकाऱ्याचं नाव सांगा तुम्ही। इसमें राष्ट्र अपना उमरेड के तहसीलदार प्रमोद कदम, दूसरे पाटबंधर विभाग के कार्यकारी अभियंता ढुमने जी, उप विभागीय अधिकारी सावरकर, वहाँ के पटवारी मेशराम जैसे है, और कुछ ग्राम पंचायत के अश्विन उइके सरपंच।